नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं आपको स्टोरी लगा कर दिखाऊंगा और उसमें कुछ स्टिकर्स, टैग और उसके बाद सेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा वरना आपको बहुत कुछ मिस कर सकते हैं अगर स्किप करते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे इंस्टाग्राम पर और आपको भी यहाँ पर इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है और गलत सलत स्टोरी में लगाते हैं और या फिर कुछ गलत करते हैं तो आपका मजाक बन जाता है। तो यहाँ पर आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे योर स्टोरी के ऑप्शन में जाना है। योर स्टोरी के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्टेटस लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो फ़ोटो सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम आपको यहाँ से सेटिंग्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर स्टोरीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूइंग है, यहाँ पे हाइड स्टोरी फ्रॉम, यहाँ पे दो पीपल है जिसको हम हाइड कर कर रखेंगे। अब हाइड क्या होता है, जैसे कि हम जिसको स्टोरी नहीं दिखाना चाहते तो हम हाइड कर देंगे तो वो मेरा स्टोरी नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लोज फ्रेंड दिख रहा होगा जो कि जीरो है। मेरा आसपास का जो क्लोज फ्रेंड है वो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर जीरो है। उसके बाद रिप्लाइंग, यहाँ पर अलाउ मैसेज रिप्लाई, जो कि आपको स्टोरी में जो मैसेज करेगा उसको आपको अलाउ करना चाहते या नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप ऑफ कर देंगे तो वो स्पैम में चला जाएगा, वो उसका मैसेज नहीं आएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपको पीपल यू फॉलो, जो फॉलो करेगा उसी का आपको मैसेज आएगा। और यहाँ पे एवरीवन रखते हैं तो हर किसी का आपके पास मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हैं और इसे आप इनेबल कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेव स्टोरी टू गैलरी, आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आप स्टोरी लगाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में वो स्टोरी सेव हो जाएगा। तो इसे आपको इनेबल नहीं करना है, क्योंकि आपके स्टोरेज में रहता है कोई भी फोटो या फिर वीडियो तभी तो आप पोस्ट करते हैं, तो इसे दोबारा आपका सेव हो जाएगा तो आपके स्टोरेज पे गलत इम्पेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेटिंग्स को, आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम सेव स्टोरी टू अचीव, यहाँ पर कुछ भी नहीं है आगे। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा शेयरिंग का ऑप्शन, यहाँ पे अलाउ शेयरिंग टू स्टोरी, यहाँ पे आप सबको अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी स्टोरी शेयर कर सकता है। इसे आप डिसेबल कर देंगे तो कोई भी आपका स्टोरी शेयर नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको नीचे शेयर योर स्टोरीज टू फेसबुक, यहाँ पे आप स्टोरी शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसे इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वह फेसबुक पर भी शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे इनेबल नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका स्टोरी का सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर फ़ोटो लगाते हैं तो यहाँ पे अब हम आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा कर और कुछ टैग वगैरह करके दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है और बहुत चीज़ें हैं उसमें। यहाँ पर आप फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ से आप कुछ लिखना चाहते हैं इस फ़ोटो पर तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि हैप्पी बर्थडे सब लिखता है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिखने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम फिर डिलीट कर देते हैं, आपको समझा कर डिलीट कर देंगे क्योंकि मेरा फ्रेश दिखेगा ताकि, और आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले इफेक्ट दिखाते हैं, यहाँ पर इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप इफेक्ट लगा सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का कितना बढ़िया सा ये है इफेक्ट। हम इसी इफेक्ट को रहने देते हैं और ये डन कर देते हैं, इस इफेक्ट को डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिख रहा होगा, थ्री डॉट्स में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं इस स्टोरी को। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी इस पर टिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप लगा सकते हैं, यहाँ पर बैक आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब हम स्टिकर के ऑप्शन में जाते हैं। स्टिकर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर लोकेशन, जो कि आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किसी को, जैसे कि टैग करना हो तो आप किसी दोस्त को टैग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, आप फोटो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालना हो तो यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक लगा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको म्यूजिक लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई म्यूजिक आपको पसंद है वो म्यूजिक आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं म्यूजिक मेरा लग चुका है, ये यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे तो ये लग जाएगा। फिलहाल मैं इस म्यूजिक को भी हटाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं इस म्यूजिक को। और फिर यहाँ पे आपको फिर से स्टिकर पे जाते हैं और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप अपना लिंक भी डाल सकते हैं, जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं यहाँ पर आप लिंक डाल सकते हैं, अदर एप्लीकेशन का कुछ भी लिंक आप वीडियो वगैरह का डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे नीचे
तो यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे लव वाला स्टिकर क्यों लगाया जाता है। कोई रोमांटिक रोमांटिक वगैरह होगा तो आप लव वाला स्टिकर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे नो साउंड का लगा सकते हैं, जिसमें नो साउंड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा नो साउंड है, यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, हम इफेक्ट लगाए तो एक तरह से वीडियो ही बन गया, लेकिन नो साउंड हम यहाँ पे कर दिए हैं क्योंकि ये साउंड नहीं करेगा, इसमें कोई म्यूजिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं है, यहाँ पे स्टिकर, यहाँ पे लाइक का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप बैक आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर का दिखा रहा है जो कि कितना डिग्री सेल्सियस है या फिर फारेनहाइट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टोरी में हर चीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे स्टोरी को शेयर कर देंगे तो ये स्टोरी शेयर हो जाएगा, शेयर कर देंगे दोस्तों तो ये स्टोरी शेयर हो जाएगा। उसके बाद आप समझ गए होंगे टोटल चीज़ें। अगर आप फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर।